ये है दिल्ली दर्पण। दिखाई दे रहा ये वही राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद से संत सूरदास सिंह मेट्रो स्टेशन और राजा नाहर सिंह यानी बल्लभगढ़ का मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन था लिहाजा पहले हवन किया गया और उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सामाजिक एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर, बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा सहित मेट्रो के आला अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। वहीं इस मेट्रो स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को यदि बस पकड़नी है तो वो इस स्टेशन से मात्र 50 मीटर के दायरे में है। किसी यात्री को भारतीय रेल का सहारा लेना है तो वो रेलवे स्टेशन मात्र 100 मीटर के दायरे में है। तो वहीं 2500 मीटर के दायरे में आपको एम्स हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। इस बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन की खासियत ये है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर लोगों की सहूलियत के लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। यहाँ के आम लोगों से लेकर नेता और उद्योगपतियों का कहना है कि इस स्टेशन के शुरू होने से शहर के लोगों को काफी सहूलियत होगी। ये पूरी दिल्ली NCR और फरीदाबाद बल्लभगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ना कि फरीदाबाद तक सीमित रह गया, अब ये जाके बरतला पलवल तक फैलने लगा है। बहुत सारे उद्योग प्लान करके बड़े क्षेत्रों में और यहाँ बल्लभगढ़ तक मेट्रो आने तक अपना कर्मचारियों को, स्टाफ के आदमियों को, सभी को सुविधा होगी और ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आगे की तरक्की के लिए। बड़ा फ़ायदा मिलेगा, एक मील का पत्थर साबित होगा, बिकॉज जो बल्लभगढ़ है एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी जो दिल्ली NCR से बल्लभगढ़ को जोड़ेगी। बल्लभगढ़ से ये सीधा आदमी कश्मीरी गेट जा सकता है, तो इससे इंडस्ट्री को लाभ होगा, आम जनता को लाभ होगा और ये कहीं ना कहीं ये दूरगामी सोच है जो मोदी जी की, जिससे और मनोहर लाल खट्टर सरकार की, जिसके कारण क्या है कि ये जो सारा विकास जो दिल्ली NCR का हो रहा है वो उन्हीं की देन है। तो कुछ और, आज हमारे राजा बल्लू की नगरी को इतना फायदा हुआ है, जितनी खुशी आज है ना बल्लभगढ़ वासियों को शायद ही कभी हुई हो, और आसपास के इलाकों को, बल्लभगढ़ को, फरीदाबाद को, सेक्टरों को इतना फायदा है कि बहुत ही फायदा हुआ है। निश्चित रूप से बल्लभगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। यहाँ की जो जनता कॉलोनियों में रहती है और उनको अधिकतर लोगों को दिल्ली जाना होता है, एक ऐसा स्थान चुना है मेट्रो ने जहाँ पे बस स्टैंड भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और रेलवे स्टेशन भी है। मुझे लगता है NCR में एक पहला ऐसा स्थान है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए हब होगा और आने वाले समय के लिए जो बल्लभगढ़ की जनता है उसको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। जो एक घंटे के आसपास के समय में दिल्ली कश्मीरी गेट पहुँच जाएंगे, निश्चित रूप से मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बल्लभगढ़ की जनता को ये तोहफा दिया है। निश्चित रूप से हमारे बल्लभगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। www.dailydarpantv.com खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।